पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व सीएम रहे हरिदेव जोशी की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी उपाध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत, विधायक अमीन कागजी, अर्चना शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में बेहतर कार्य किया है। इसमें हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया। गहलोत ने कहा कि जनता से हमने जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं। 5 साल में सभी वादे पूरे किए जाएंगे। एक साल के उपलक्ष्य में एक मैसेज देना होता है, जो वादे हमने किए वो कहाँ तक कामयाब हुए। ये कोई जश्न का वक्त होता है, ये अपनी परफॉर्मेंस को जनता तक पहुँचाने का वक्त होता है। एक अवसर मिलता है जब आप अपनी बात कह सकते हैं, मैनिफेस्टो वादे ये किए थे, ये वादे हमने पूरे किए, ये वादे पूरे करना बाकी है और हमारा प्रयास जारी है। इसके लिए जश्न के रूप में फील करने करने कोई तुक नहीं होता, इसलिए हमने तय किया। प्रोग्राम तो शानदार होते हैं, हो रहे हैं, पर कोई और ढंग से नहीं हो रहे जिस ढंग से पिछली गवर्नमेंट ने किए थे, तो फर्क है।